नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आएंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है हरियाणा फैमिली आईडी की तरफ से PPP, और पूरी पूरी अपडेट बताएंगे। तो फैमिली आईडी जो है पोर्टल, ये आपका जो है किसी ने भी नंबर अपडेट करवाना है या फैमिली आईडी स्प्लिट करवानी है या किसी तरह का भी कोई करेक्शन करवाना है तो आप करवा सकते हो, क्योंकि साइट फ्रिक्वेंटली चलने लगी है। तो जिन्होंने भी करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कंसर्न कर सकते हो तो अपनी फैमिली आईडी करेक्ट करवा सकते हो। अब जो कि कल आपके लिए एक वन महोत्सव, ये कल के दिन था, उससे पहले उसकी न्यूज़ देने से पहले आपको एक मेन इन्फॉर्मेशन बता दें। जो हांसी एक नया ज़िला बनने जा रहा है। गोहाना व डबवाली भी इसी दौड़ में है, बट गोहाना और डबवाली सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, बट ज़िला नहीं है। ज़िला जैसे डबवाली का सिरसा ही है, तो इसी तरह हांसी का जो ज़िला था वो हिसार था। हिसार का पार्टी हांसी था, बट अब हांसी अलग होने जा रहा है, एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। ठीक है जी, अब इम्पोर्टेंट अपडेट पर चलते हैं। कल ये 75वां वन महोत्सव था। वन महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो मुख्यमंत्री खट्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने जो योजना शुरू की थी भी, जिन वृक्षों का 70 से 75 से ज़्यादा उम्र होगी जिन वृक्षों की, उनके रख रखाव के लिए 2750 रुपये, 2750 यानी कि 2750 रुपये जिन्होंने फार्म भरे थे, करीबन 4-4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, उनके आज खाते में ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है। किनके? जिनके वृक्ष 70-75 साल से ज़्यादा की उम्र के लगे हुए थे और उनके रख रखाव के लिए उनके मालिक को, यानी कि जिनके भी खेतों में या घरों में लगे थे, उनको ये एज ए बतौर पेंशन के तौर पर दिए गए हैं 2750 रुपया। ठीक है, हर एक साल दिया जाएगा रख रखाव के लिए, दरख्तों के रख रखाव के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर पूरा बता देते हैं। ये नैब सिंह सैनी जी ने अब दिया है, जो कि ये शुरुआत की थी मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, पहले सीएम जो थे, अब यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, हम हर ज़िले में ऑक्सीजन बना रहे हैं, 1 करोड़ पौधे लगाएंगे, ये नैब सैनी जी ने कहा है। भी 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव से वन मित्र और एक पेड़ माँ के नाम की योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थापित हुए 22 ऑक्सीजन, यानी कि हर एक जिले में अलग अलग पर्यावरण महोत्सव कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण महोत्सव कार्यक्रम और प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने का संदेश दिया है हमारे मौजूदा सीएम यानी कि नैब सिंह सैनी जी ने। तो इस साल भी लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने करनाल में 40 हेक्टेयर भूमि में स्थापित ऑक्सीजन का भी उद्घाटन किया। वन में 9 प्रकार के वन विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हर जिले में 5 से 100 एकड़ क्षेत्रफल पर ऑक्सीजन बनाने की योजना चलाई जा रही है। यानी कि ये जो स्कीम शुरू की गई थी मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से, इसको नैब सिंह सैनी जी जो अब मौजूदा अपने सीएम है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और यही अनाउंस किया है भी हर एक बंदा एक माँ के नाम का पेड़ जरूर लगाए और ये वन महोत्सव मनाए। तो काफ़ी मित्रों ने भी किया है, काफ़ियों ने ये दरख्त लगाए हैं और ये सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके खातों में 2750 रुपये भी आए हैं। कल के दिन आए हैं, नैब सैनी जी की तरफ से ये क्रेडिट करवा दिए गए हैं खातों में, जिन दरख्तों की उम्र 70 से प्लस थी, 70-75 साल थी। तो यहाँ पर भी देख सकते हो 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। ठीक है जी, तो वन महोत्सव पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण से बचाव हेतु हरियाणा सरकार के लगातार बढ़ते हुए कदम। तो मुख्यमंत्री जी ने किया 2 योजनाओं का शुभारंभ। वन मित्र योजना के तहत एक पेड़ लगाने व उसके संरक्षण के लिए वन मित्र को, जो भी वन मित्र एक ऑफिशियली साइट लॉन्च की है,
तो उस पर वन मित्र जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको पेड़ों की संरक्षण के लिए और उस वन मित्र को प्रति पेड़ मिलेंगे 20 रुपये, और एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत वन मित्र प्रति पेड़ मिलेंगे उनको 10 रुपये, ठीक है जी, लगाने के। तो करनाल में ऑक्सी वन का भी उद्घाटन किया गया है, ये आप ऑफिशियली साइट हरियाणा cmoffice.government.in पर भी जाकर चेक कर सकते हो, या फेसबुक पर चेक करना है या ट्विटर पर चेक करना है तो ट्विटर पर CMOHRY ट्वीट कर चेक कर सकते हो, ठीक है जी। ये योजनाएं थी सभी किसान भाइयों के लिए जो PPP से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी दोबारा फिर जाते जाते इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। PPP सभी की सेट होनी शुरू हो चुकी है, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई तो करवाना चाहते हो, स्प्लिट करवाना चाहते हो, नंबर अपडेट करवाना चाहते हो, एंगेजमेंट अपडेट या इनकम अपडेट कुछ भी तरह का करेक्शन करवाना चाहते हो तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। दोबारा फिर बता देते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके 2700 रुपये आ चुके हैं, बट उनकी शर्त यही थी मनोहर लाल खट्टर जी की भी जिन पेड़ों की 70 या 75 साल से ज़्यादा उम्र है सिर्फ उन्हीं के रख रखाव के लिए ये पैसे दिए जाएंगे। और वन मित्र की योजना ये नैब सिंह सैनी जी ने शुरू की है, प्रति पेड़ लगाने पर 20 रुपये, और एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत वन मित्र को प्रति पेड़ लगाने के 10 रुपये मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हरियाणा cmoffice.government.in पर आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो कृपा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।